नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वैब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के कचपुरा ब्रिज के समीप एक युवक की लाश उसके भाई के घर के सामने मिली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार बीआर मैरिज गार्डन के समीप रहने वाले सतीश पटेल उम्र 49 वर्ष के अज्ञात तत्वों ने धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। हत्या के बाद सतीश की लाश को उसके घर के सामने ब्रिज की सीढ़ियों पर फेंक कर भाग निकले। सुबह 6:30 बजे के लगभग लोग घरों से टहलने के लिए निकले तो देखा कि सतीश की लाश ब्रिज की सीढ़ियों पर पड़ी है। सिर और कनपटी पर धारदार हथियार के निशान है, जिसकी सूचना भाई अजय पटेल सहित अन्य परिजनों को दी गई, जिस पर परिवार के सदस्यों सहित आसपास के लोग एकत्र हो गए। पुलिस के अनुसार सतीश की हत्या कर लाश को यहां पर लाकर फेंका गया है। लाश को घसीटने के भी निशान मिले हैं। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि सतीश घर से निकला तो किन किन लोगों से मिला, कहां कहां गया। पुलिस ने कुछ संदेहियों को भी हिरासत में लेकर मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। क्या कह के निकले थे, किस बताया आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा नहीं? किसी से कोई झगड़ा नहीं। क्या नाम है उनका, कितनी उम्र होगी? सतीश पटेल, 42 साल उम्र। आप अपना नाम बता दीजिए। पूजा पटेल। आप कौन है? पत्नी। ये जो कचपुरा ब्रिज में घटना घटित हुई, ये कौन थे आप? क्या नाम उनका? सतीश पटेल। कैसे घटित हुई ये घटना, कुछ जानकारी आपको? ये जानकारी मिली है सुबह, मोहल्ले वालों ने बताया। नाम विजय साहब रहे, आप पहचान कर। कितने टाइम? 6:30। तो ये कब से नहीं थे आपके घर पे? जी शाम को 9 बजे निकले थे, 8:30 जी पहुँचे। हमें सुबह पता लगा कहाँ है। आपको सूचना लगी जब आपको जानकारी मिली? आपके ये कौन थे? आपका क्या नाम है? अजय पटेल। कहाँ रहते हैं आप? कचपुरा।